हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम प्रिंटिंग इन जापान देखेंगे कि जापान में कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक चाइना का था जो मैं कवर करवा चुकी हूँ, तो देखते हैं आगे। प्रिंट इन जापान बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन टू जापान अराउंड AD 768 टू 770। ठीक है, तो जो चाइना से था वो प्रिंटिंग आया था जापान में। तो चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, यानी कि जो मिशनरीज यानी कि जो रिलीजियस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोग, तो जो चाइना के थे वो आए थे बुद्धिस्ट लोग जो थे वो आए थे जापान, और वहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, हैंड प्रिंटिंग का वो लोग स्टार्ट किए थे। तो कब हुआ था? AD 768 टू 770 में। ठीक है, तो जापानीज़ का द ओल्डेस्ट बुक जो था, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो प्रिंट हुआ था AD 868 में, वो क्या है? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ठीक है, उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, कंटेनिंग 6 शीट ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। तो वो जो था डायमंड सूत्र, उसमें क्या था? 6 शीट्स थे और टेक्स्ट था उसमें लिखा हुआ, 6 शीट में टेक्स्ट लिखा हुआ था, और क्या था? वुड कट्स इलस्ट्रेशंस थे, यानी कि लकड़ियों को काट के जो पेंटिंग टाइप को बनाया जाता है वो था। ठीक है, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। तो पिक्चर्स जो थे वो टेक्सटाइल में प्रिंट होने लगे, यानी कि कपड़ों में, प्लेइंग कार्ड्स में प्रिंट होने लगे और पेपर मनी में प्रिंट होने लगे। ठीक है, इन मीडिएवल जापान, तो जो मीडिएवल जापान था यानी कि मिडिल एज, ठीक है, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश। तो जो पोएट्स और प्रोज जो थे वो रेगुलरली पब्लिश होते रहते थे, वहाँ पर प्रिंटिंग जो है वो चालू हो गया था। ठीक है, एंड बुक वर चीप एंड अबंडेंट, और जो बुक था वो बहुत चीप था, वहाँ सस्ता था और अबंडेंट में मिलता था। ठीक है, यानी कि उस कमी नहीं थी बुक्स की वहाँ। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। तो जो प्रिंटिंग कहाँ होने लगा था? वहाँ पर विजुअल मटेरियल्स में, जैसे कि वो चीज़ में मैं देख सक जो चीज़ हम देख सकते हैं उसमें प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया था, जिससे क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस जो है वो और इंटरेस्टिंग हो गया और प्रिंटिंग जो है और बढ़ावा मिल गया उसको। ठीक है, इन द लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इन द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल एट ईडो, जिसको अभी हम लोग टोक्यो बोलते हैं उसको पहले ईडो बोलते थे। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जैसे अर्बन सर्कल्स, यानी कि जैसे शहर जो है वो फ्लोरिश होने लगा था और ज़्यादा एडवांस होने लगा था, तो इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। तो बहुत सारे पेंटिंग बनाए गए, कलेक्शन हुआ पेंटिंग का, जिसमें क्या दिखाया गया था? अर्बन कल्चर दिखाया गया था, यानी कि एलिगेंट, यानी कि स्टाइलिश जो अर्बन कल्चर है, वहाँ शहर के लोगों का तौर तरीका, वो सब चीज़ दिखाया गया था पेंटिंग में। ठीक है, और कौन उसमें पेंटिंग में क्या क्या दिखाए थे? आर्टिस्ट लोगों को दिखाते थे, कोर्टिजन्स लोगों को दिखाते थे, टी हाउस गैदरिंग होता था वहाँ उसको दिखाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ पेंटिंग में दिखाया करते थे। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। तो जो लाइब्रेरीज और बुक स्टोर है वो पूरे भर जाते थे, मतलब भर गए थे वहाँ पर हैंड प्रिंटेड मटेरियल से। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बुक्स प्रिंट होते थे, जैसे कि किसके अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड होते थे, जैसे कि वोमेन पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, कैलकुलेशन पर बुक होते थे, टी सेरेमनी पर बुक होते थे, फ्लावर अरेंजमेंट में होते थे, तो प्रॉपर एटिकेट सीखने के लिए बुक्स होते थे, कुकिंग के लिए होते थे और फेमस प्लेसेस के लिए। तो ये सब टॉपिक पे वहाँ पर बुक्स जो थे बहुत सारे प्रिंट होते थे और लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स में सब भरे हुए थे। ठीक है, ये एक पेंटिंग है जैपनीज। ठीक है, और ये जो डायमंड सूत्र का पेज है, ठीक है, जो बहुत ही वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है वो डायमंड सूत्र। ठीक है, और ये वुड कट्स है, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसको वुड कट करके पेंटिंग बनाया जाता था, तो ये वुड कट वहाँ पर होता था। ठीक है, तो आई होप गाइस समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक था और इजी भी था, तो जापान में बस इतना ही था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।